नमस्कार, मैं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। हसाइन क्षेत्र के गांव बनवारीपुर में 19वां जय बांके बिहारी जी प्राकट्य उत्सव के अवसर पर सर्वधर्म सामूहिक कन्यादान विवाह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 11 कन्याएं दाम्पत्य सूत्र बंधन में बनी। सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा के प्रखर वक्ता परम श्रद्धेय पंडित देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज और आयोजक अवधेश कुमार सिंह द्वारा सभी वरों का तिलक लगाकर घोड़ों पर सवार कर श्री बांके बिहारी जी की भव्य झांकी के साथ बारात निकाली गई। श्री बांके बिहारी जी की भव्य झांकी के साथ आगे कलश यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। बारात का समापन श्री बांके बिहारी जी मंदिर प्रांगण में हुआ। यहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 10 जोड़ों ने शादी की और वहीं एक जोड़ा मुस्लिम था जिसका निकाह किया गया। इसके बाद सभी जोड़ों को बड़े पांडाल में बैठा कर वरमाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर जोड़ों को देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज और आयोजक अवधेश कुमार सिंह व परिजनों के द्वारा वर कन्याओं को आशीर्वाद प्रदान किया गया। सभी सनातनी परिवारों को मैं एक ही बात कहूँगा कि खुद भी आप अपने धर्म को जानें और अपने बच्चों को धर्म को जानने का अवसर दें, क्योंकि जब तक हम धर्म को जानेंगे नहीं तब तक हम धर्म का पालन कैसे करेंगे। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम हमारे बच्चों को कम से कम कथाओं में ले जाएँ, प्रवचनों में ले जाएँ, जिससे जो चीज़ें हम लोगों से बहुत दूर है वो धर्म के माध्यम से उनको पता चल सके। और इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं कि हम भगवान की कथा का प्रचार करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और लोग उससे कुछ सीखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ अंतर होता है महाराज जी, इसमें आप क्या संदेश देंगे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को? ऐसा नहीं, मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और बहुत ही धर्म को मानने वाले होते हैं,
और जो गांव के लोग होते हैं वो वाकई जो धर्म की मूल जड़ है उसको भी वो जानते हैं, क्योंकि वहाँ से वो तब से सुनते चले आ रहे होते हैं। शहर के लोगों पे तो एक अवसर होता है कि वो कमाना है और माया की जो आबाधावी है उससे उनको फुर्सत भी बहुत कम मिलती है, और लेकिन बहुत अच्छी हैं जो वहाँ रहते हैं और इसके बावजूद भी वो सुनते हैं। पर ग्राम के लोग जो होते हैं वो सुनने में और तर्क संगत जो सुनने का उनका व्यवहार है वो बहुत प्रिय है। जो यहाँ आसपास के गांव के लोग हैं उनसे यही कहूँगा कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में आप पधारें, और न सिर्फ आप पधारें बल्कि अपने बच्चों को लेके आना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे भागवत में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने की और जो भागवत धर्म की चर्चा है उसको हमारे बच्चे जानें और बच्चे जानकर उसको अपने जीवन में उतारें। अगर हमारे बच्चे भागवत धर्म को जानेंगे तो कोई भी माता पिता अपने बुढ़ापे में आंसू नहीं बहाएगा, इतना मैं मानता हूँ। तो जो माँ बाप ये चाहते हैं कि हमें बुढ़ापे में रोना ना पड़े, हमें परेशान ना होना पड़े, उनको अपने बच्चों के साथ ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। धन्यवाद। पंचायत चुनाव पर विशेष कार्यक्रम हमारा गांव हमारी सरकार जल्द आ रहा है समाचार एक्सप्रेस पर।